नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है। उनका सब्जेक्ट सेकंड पार्ट में यानी सेकंड ईयर में आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि पेपर 9 में आता है और बेहद ही महत्वपूर्ण होता है यह पेपर। इसका मार्क आपको एग्जामिनेशन में जो होता है वो इंक्लूड किया जाता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। ध्यान रखेंगे, इसी से निकल के आने वाला यह क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा एवं परीक्षण के बारे में, यानी परीक्षा एवं परीक्षण की परिभाषा क्या है, उसके अर्थ एवं प्रकार को जानने वाले हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसी सभी जानकारी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और सभी जानकारी आपको अच्छे लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं, आप देखने के लिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का परिभाषा क्या है, परीक्षा कहते किसे हैं, आइए जानते हैं। एग्जामिनेशन, एन एग्जामिनेशन इज अ फॉर्मल असेसमेंट और इवेल्युएशन प्रोसेस दैट एम टू मेजर अ पर्सन्स नॉलेज स्किल एबिलिटीज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज ऑफ स्टडी। इट इज टाइपिकली कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस एंड ऑफन इन्वॉल्व्स रिटेन ओरल एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट। एग्जामिनेशन आर कॉमनली यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स टू एक्सेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स मटेरियल। इसी को जब हम हिंदी में देखते हैं तो परीक्षा किसे कहते हैं, जानते हैं यहां से कि परीक्षा एक औपचारिक मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, आकलन या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय या अध्ययन के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल क्षमताओं को मापना होता है। जब हम किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल और क्षमताओं को मापते हैं तो यह एक प्रकार का परीक्षा होता है, ठीक है। यह आमतौर पर नियंत्रित परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है, जो उसका परीक्षा करने की जो इस चीज को क्षमताओं को मापने की जो प्रक्रिया होती है यह एक नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है और इसमें अक्सर लिखित मौखिक या व्यवहारिक मूल्यांकन शामिल होता है। हम इस तरीके से लिखित तरीके से मौखिक तरीके से और व्यवहारिक तरीके से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि परीक्षा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। इसी से जुड़ी जानकारी आगे भी है। पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में, छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए शैक्षणिक सेटिंग में आमतौर पर परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि छात्रों के लिए जो सामग्री पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठ्यक्रम सामग्री बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम सामग्री को कितना अच्छे तरीके से छात्रों द्वारा समझा गया है, कितने अच्छे तरीके से उसे गेन किया गया है, तो इसी चीज को आंकने के लिए, इसी चीज को मापने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन होगा टेस्ट का, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट किसे कहते हैं, यानी हिंदी में कहें तो परीक्षण किसे कहते हैं। अ टेस्ट इज अ सिमेट्रिक प्रोसीडर फॉर मेजरिंग अ पर्सन्स नॉलेज स्किल एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल मैनर। टेस्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म सच एज रिटेन टेस्ट, क्विज, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। टेस्ट आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन, साइकोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट एंड मेडिकल डायग्नोसिस। इन सभी चीजों में टेस्ट का उपयोग होता है, टेस्ट किया जाता है। इसी को जब हम हिंदी में देखें तो यहां से निकल के आता है परीक्षण किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल क्षमताओं या विशेषताओं को मानकीकृत और संरचित तरीके से मापने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को कहते हैं। परीक्षण विभिन्न रूप ले सकते हैं, मतलब परीक्षण का जो है कि विभिन्न रूप से हम ले सकते हैं परीक्षण, जैसे कि लिखित परीक्षण क्विज के जरिए, मानकीकृत परीक्षण के जरिए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के जरिए, योग्यता परीक्षण के जरिए हम टेस्ट को या फिर परीक्षण को ले सकते हैं। परीक्षण का उपयोग शिक्षा में किया जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी किया जाता है, रोजगार के लिए, चिकित्सा निदान सहित कई संदर्भों में किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह आपका परीक्षण का परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, यानी परीक्षा एवं परीक्षण के अर्थ को जानेंगे।
पहले एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के अर्थ को जानते हैं कि एग्जामिनेशंस आर टाइपिकली हाई स्टेक असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन्स लेवल ऑफ नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसी को लेवल को जांचने के लिए किसी भी व्यक्ति में हम एग्जामिनेशन का आयोजन करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं। दे ऑफ्टन कैरी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस सच एज ग्रेड, सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस। एग्जामिनेशन आर डिजाइंड टू इवैल्यूएट व्हाट अ पर्सन हैज लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ स्टडी। यहाँ की कहले की परीक्षाएं आमतौर पर उच्च स्तरीय मूल्यांकन के लिए होती है, जिनका उपयोग किसी विशिष्ट विषय में व्यक्ति की ज्ञान या फिर दक्षता का स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वे अक्सर ग्रेड, प्रमाण पत्र या योग्यता जैसे महत्वपूर्ण परिणाम लेकर के आते हैं और परीक्षाओं को मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति ने अध्ययन की अवधि में क्या सीखा है और कितना सीखा है। इस चीज को हम जानने के लिए निश्चित रूप से परीक्षा का आयोजन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है टेस्ट। टेस्ट का मीनिंग जाने तो अर्थ जाने टेस्ट का, कहता है कि टेस्ट आर मोर जनरलाइज्ड असेसमेंट दैट कैन मेजर वेरियस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव एट्रीब्यूट एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्राइल्स, ट्रेट्स, जॉब्स रिलेटेड स्किल और एप्टीट्यूड। जब हम जाने कि टेस्ट कैन बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस रिसर्च और टू मेक डिसीजंस अबाउट इंडिविजुअल सच एज हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सेटिंग। जब हम बात करें परीक्षण की, तो परीक्षण अधिक मान्यकृत सामान्यकृत मूल्यांकन है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षण, नौकरी से संबंधित कौशल या योग्यता सहित विभिन्न विशेषताओं को माप सकते हैं। आप जानते होंगे कहीं पर जाते हैं आपको तो नौकरी के लिए आप देखते होंगे अक्सर, तो उसमें टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट इस तरीके से लिया जाता है जो कि आपका इंटरव्यू के तौर पे होता है, कुछ जो काम संबंधित है उसके उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे इंटरव्यू भी कहते हैं हम लोग। जानेंगे यहाँ से कि परीक्षण का उपयोग नैदानिक उद्देश्यों, अनुसंधान या व्यक्तियों के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि रोजगार में भर्ती के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके अर्थ को भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा के प्रकार को जानेंगे। परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देखें तो रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यह बहुत ही कॉमन टाइप का एग्जामिनेशन है जो हर एक छात्र हर एक स्टूडेंट निश्चित रूप से दिए होंगे। वेयर स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आंसर क्वेश्चन इन राइटिंग, मतलब लिख करके जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो निश्चित रूप से यह रिटेन एग्जामिनेशन के तौर पर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड एसे एग्जाम, मल्टीपल चॉइस एग्जाम एंड शॉर्ट आंसर एग्जाम। निश्चित रूप से लिखित परीक्षाएं ये सबसे सामान्य प्रकार की परीक्षाएं हैं। यहाँ छात्र या उम्मीदवार जो कह लें लिखित रूप से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए जब निबंध परीक्षा होता है, बहुविकल्पीय परीक्षा होता है या फिर लघु उत्तरीय परीक्षा, इन सभी में शामिल है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका जो आता है एग्जामिनेशन का टाइप, वो आता है ओरल एग्जामिनेशन। यह भी आप लोग बिल्कुल दिए होंगे कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशन में, जो वाइवा कहते हैं, मौखिक परीक्षाएं कहते हैं इसे हिंदी में, तो यही परीक्षा होता है। इन ओरल एग्जाम इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन पोज्ड बाय एन एग्जामिनर वर्बली। जब हम वर्बली किसी एग्जामिनेशन को किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देते हैं, तो निश्चित रूप से यह ओरल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। दिस फॉर्मेट इज ऑफ्टन यूज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशियंसी असेसमेंट एंड वाइवा वॉइस एग्जाम इन एकेडमिया। यहाँ कहता है कि मौखिक परीक्षाओं में व्यक्ति परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देते हैं। इस प्रकार इस प्रारूप का उपयोग अक्सर शिक्षा जगत में भाषा दक्षता मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा के लिए किया जाता है। जब भाषा की पकड़ हो, भाषा की जब जांचा जाता है, भाषा किस तरीके से है उस अभ्यर्थी में या फिर छात्र में, तो उस तरीके से हम जांचते हैं यहाँ पर मौखिक परीक्षा को लेकर के।
ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहता है कि प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो अर्थ से ही समझा जा सकता है कि व्यवहारिक, यानी कि हम कर किसी भी काम को करके एग्जाम देना, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम असेस इन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और डेमोन्स्ट्रेट स्किल। यहां पर कहा जा रहा है कि एबिलिटी यह क्या करता है, एबिलिटी को दिखाता है परफॉर्म, परफॉर्मेंस करने का स्पेसिफिक टास्क के परिप्रेक्ष्य में, डेमोन्स्ट्रेट स्किल कर, डेमोन्स्ट्रेट करने का, किसी भी तरीके को, किसी भी स्किल को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यह आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कहलाता है। दे आर कॉमनली यूज इन फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड द परफॉर्मिंग आर्ट। जब हम किसी आर्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी इंजीनियरिंग टाइप के वर्क कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग टाइप के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन निश्चित ही तौर पे आपको लिया जाता है। और हेल्थ केयर में भी, हेल्थ केयर जैसे कि कोई मेडिकल का तैयारी कर रहा है या फिर मेडिकल कर रहा है, तो वहां पर भी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेहद ही मायने रखता है। ध्यान रखेंगे, व्यवहारिक परीक्षाएं किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्य करने या कौशल प्रदर्शन करने की क्षमता का आकलन करती है। इनका उपयोग आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग और प्रदर्शन कला जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन। ध्यान रखेंगे, ये लालू प्रसाद यादव जी इसकी बात करते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन। इन ओपन बुक एग्जाम टेस्ट टेकर्स आर अलाउड टू रेफर टू टेक्स्ट बुक नोट और अदर रेफरेंसेज मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कभी कभी देखे होंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कभी कभी, तो वहां पर आपको कहेगा कि कोई स्पेसिफिक बुक का नाम दे दिया जाता है कि यह बुक आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि एनसीईआरटी का बुक कई सारे एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं, एक या फिर दो इस तरीके के। द फोकस इज ऑफ्टन ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज रेदर देन मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन यहाँ पर कह लें तो ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी ओपन बुक लिखित, ओपन बुक परीक्षा में परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तक, नोट या अन्य सभी अन्य संदर्भ सामग्री को देखने की अनुमति होती है। ध्यान अक्सर याद रखने के बजाय ज्ञान को समझने और लागू करने पर होता है। यानी कि जब हम किसी चीज को देखे रहेंगे तभी जाकर के हम उस किताब में, उस बुक में हम खोज पाएंगे। इस चीज को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर ओपन बुक एग्जामिनेशन भी एक प्रकार का एग्जाम होता है। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट है पांचवा, जो कि लास्ट एग्जामिनेशन है, देख सकते हैं, टेक होम एग्जामिनेशन। टेक होम एग्जामिनेशन, दीज एग्जामिनेशन आर कंप्लीटेड आउटसाइड द क्लासरूम और टेस्टिंग सेंटर, यूजली देख सकते हैं अनयूजली या फिर यूजली पढ़ सकते हैं, विथ मोर एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम, दे मेन इन्वॉल्व रिसर्च, राइटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी होम टेक परीक्षाएं किसे कहते हैं, ये परीक्षाएं कक्षा या परीक्षण केंद्र से बाहर पूरी की जाती है, यानी कि आप घर से ही परीक्षा दे सकते हैं। अक्सर ये डिस्टेंस एजुकेशन में होता है, आप उसका क्वेश्चन आंसर लिख करके उसे पोस्ट कर दिया जाता है या फिर कुरियर कर दिया जाता है, यही परीक्षा को होम टेक परीक्षा कहा जाता है। देख सकते हैं, आमतौर पर अधिक विस्तारित समय सीमा के साथ उनमें अनुसंधान लेखन और समस्या समाधान शामिल हो सकता है। जब हम किसी अनुसंधान रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च पर एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के एग्जामिनेशन लिया जाता है। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा टाइप ऑफ टेस्ट, यानी परीक्षण के प्रकार को जानेंगे यहाँ से। पहला आपका आएगा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं, दीज टेस्ट मेजर अ पर्सनल लेवल ऑफ नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल। स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल में जब हम मेजर कर रहे होते हैं उसकी लेवल ऑफ नॉलेज को, तो निश्चित रूप से हम अचीवमेंट टेस्ट ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इंक्लूडिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाइक एज SAT एंड GRE, CTET, इन सारी एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं। ये सारा एग्जामिनेशन क्या होता है, एक अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण के तौर पे देखें तो यह परीक्षण किसी व्यक्ति के विशिष्ट विषय या कौशल में ज्ञान या फिर दक्षता के स्तर को मापता है। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं SAT, GRE और CTET मैंने बता दिया। ध्यान रखेंगे, दूसरा टेस्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कई बार आपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के तौर पे दिया होगा। यह एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
ध्यान देंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेस अ पर्सन पोटेंशियल टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटीज. दे आर ऑफ्टन यूज इन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग टू प्रोजेक्ट जॉब परफॉर्मेंस. ध्यान देंगे प्रोजेक्ट जॉब परफॉर्मेंस मतलब जिस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, जिस तरीके का वहां पर जॉब परफॉर्मेंस वाला बंदा चाहिए, उस तरीके के जब हम एग्जामिनेशन लेते हैं तो यह इस निश्चित रूप से यह एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर योग्यता परीक्षण कहलाता है. योग्यता परीक्षण किसी व्यक्ति के विशिष्ट कौशल या फिर क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता का आकलन करता है. नौकरी के प्रदर्शन के लिए, भविष्यवाणी के लिए इन्हें अक्सर रोजगार के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आपका है तीसरा नंबर जो कहता है पर्सनैलिटी टेस्ट. यानी पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं कि दिस टेस्ट इवैल्यूएट एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी ट्रायल्स बिहेवियर्स ट्रिट्स बिहेवियर्स पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर यूज इन साइकोलॉजी काउंसिलिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स HRA के द्वारा. किसके द्वारा? HRA के द्वारा पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार से है. व्यक्तित्व परीक्षण इसे कहते हैं कि ये परीक्षण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों व्यवहार पैटर्न और विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं जिसका उपयोग मनोविज्ञान परामर्श और मानव संसाधन में किया जाता है. ध्यान रखेंगे. चौथा जो आपका टेस्ट आता है कहलाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी फिर निदानात्मक परीक्षण. किसी भी तरीके के हम टेस्ट लेते हैं किसी भी चीज को निदान करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई और डायग्नोज स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज मेडिकल टेस्ट फॉर डिजीज और असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज. यहां से देख लें तो नैदानिक परीक्षणों का उपयोग विशिष्ट स्थितियों की पहचान या फिर निदान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी भी बीमारियों के लिए यानी किसी भी बीमारियों की चिकित्सा के लिए यह परीक्षण निश्चित रूप से इसका उपयोग किया जाता है और अक्षमताओं को पहचानने के लिए भी, इसका मूल्यांकन के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है नैदानिक परीक्षण का. नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट. जब किसी तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम कि दीज टेस्ट एक्सेस वेरियस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस इमोशनल वेल बींग्स एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग. यहां कहता है कि ये परीक्षण बुद्धि मानवता भावनात्मक कल्याण और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली सहित विभिन्न मनोवैज्ञानिक संरचनाओं का आकलन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का यूज करते हैं. ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आता है छठा नंबर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर डिजाइन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड, देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड इन अ कंसिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म मैनर. दे ऑफ्टन हैव एस्टैब्लिश्ड नॉर्म फॉर कंपैरिजन. यहां कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों को सुसंगत और समान तरीके से प्रशासित और स्कोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें क्या कराता है तो अक्सर तुलना के लिए मानदंड का स्थापित करता है. यानी जब मानकीकृत परीक्षण करते हैं हम किसी तरीके किसी चीज को, जैसे आप जान लीजिए एक प्रकार का इसको जान लीजिए एक प्रकार का जो जैसे एक किलो का क्या होता है बटखारा जिसको बोलते हैं, एक किलो का जो वजन करने वाला पैमाना जिसको बोलते हैं, उस पैमाना को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यह स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि इस स्टैंडर्डाइज पे हम किसी भी चीज को मापें, किसी भी चीज को लेकर के किसी भी परीक्षा या फिर किसी भी टेस्ट को हम माप सकते हैं. ध्यान रखेंगे. यहाँ देखिए सातवां आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट आर ऑन गोइंग इवेल्युएशन यूज टू प्रोवाइड फीडबैक और लर्निंग इम्प्रूवमेंट. यानी फीडबैक किसके लिए चाहिए? लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए. दे आर नॉट टाइपिकली एसोसिएटेड विद द ग्रेड बट फोकस ऑन गाइडिंग इंस्ट्रक्शन. रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन सीखने में सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सतत मूल्यांकन होता है, जो कि आमतौर पर ग्रेड से जुड़े नहीं होते हैं बल्कि मार्गदर्शक निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करता है. ध्यान रखेंगे. आठवां पॉइंट है आपके साथ सम्मेटिव असेसमेंट.
सबमेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? सबमेटिव असेसमेंट आर यूज टू मेजर व्हाट अ पर्सन हैज लर्न एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड. दे ऑफ्टन रिजल्ट इज ग्रेड और सर्टिफिकेशन. यानी योगात्मक मूल्यांकन, जब सभी चीज को जोड़ करके मूल्यांकन किया जाए, यानी योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने सीखने की अवधि के अंत में क्या सीखा है. इनके परिणाम स्वरूप अक्सर क्या तो ग्रेड या फिर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, या समझ लें तो आपका सम्मेटिव एग्जामिनेशन, आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इस तरीके के एग्जामिनेशन में आप निश्चित रूप से इसी को कहते हैं आप सम्मेटिव एग्जामिनेशन. ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जो आएगा उसमें आप कंक्लूजन को देखेंगे. आपको मैंने बता दिया टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब टेस्ट का जो टाइप होता है वो एग्जामिनेशन का टाइप, यानी परीक्षा का प्रकार आपने देख लिया. उसके बाद आप कंक्लूजन नीचे तौर पे लिख सकते हैं कि बोथ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट प्ले एसेंशियल रोल इन एजुकेशन असेसमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस फील्ड. आप किसी भी चीज को डिसीजन लेने में हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, एग्जामिनेशन की या फिर टेस्ट की. द चॉइस ऑफ असेसमेंट मेथड डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक गोल एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवैल्यूएशन. हम किस परिप्रेक्ष्य में परीक्षा ले रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हम टेस्ट ले रहे हैं, वह डिपेंड करता है, वह मायने रखता है निश्चित रूप से परीक्षा के प्रकार और परीक्षण को. परीक्षा और परीक्षण दोनों ही विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा मूल्यांकन और निर्णय लेने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो कि मूल्यांकन पद्धति का एक चुनाव मूल्यांकन के विशिष्ट लक्ष्यों और संदर्भ पर निर्भर करता है. इस चीज को ध्यान रखेंगे तब जाके हम इस चीज को समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन और टेस्ट किसे कहते हैं. फिलहाल इस वीडियो में आप जाने बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा एवं परीक्षा का डेफिनेशन, परीक्षा एवं परीक्षा का टाइप्स, इन सभी चीजों को जाने, मीनिंग को जाने यानी अर्थ को जाने हमने इसी वीडियो के अंतर्गत. फिलहाल ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.